दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल तब्बू इस्लामिक वॉइस। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में इस्तकबाल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे के मौके पर हम तहरीक सर के साथ आए हैं होटल फोर सीजन में। तो हम लोग सोचे कि ब्लॉग के जरिए आप लोगों को होटल का नज़ारा दिखाया जाए, होटल की फैसिलिटी दिखाई जाए। तो आप लोग देखिए कि होटल का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं होटल का नज़ारा। अभी शाम का वक्त है, शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं होटल फोर सीजन में। बाहर से काफ़ी शानदार लग रही है, काफ़ी सारी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। होटल में भीड़ भी काफ़ी है और बहुत ही शानदार लग रही है होटल देखने में। हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ। चलिए चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं। दोस्तों, ये जो आप आगे में देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है किचन के लिए, पर यहाँ अभी किचन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये होटल अभी नया ही बना है। तो हम लोग भी अभी गए नहीं हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने बाहर का नज़ारा देख लिया है, तो अब हम लोग आ गए हैं अंदर ग्राउंड फ्लोर पे। देखिए ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा। यहाँ पर काफी शानदार टेबल्स लगी हुई है ब्लैक कलर में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रिसेप्शन की तरफ। यहाँ पूछते हैं सर से कि इस होटल की खासियत क्या है, यहाँ वेडिंग के लिए फैसिलिटीज है कि नहीं। तो सर, यहाँ पे वेडिंग के लिए फैसिलिटीज वगैरह है? जो हॉल है ऊपर रूम वगैरह भी होगा। रूम होगा, कितने रूम है? हमारा कमर्शियल 7 रूम्स है, उसमें 7 रूम, उसमें से 4-5 रूम एसी है, 2 नॉन एसी। और ऊपर 2 बड़ा हॉल है, उसमें हम लोग पार्टी के लिए जैसे एंगेजमेंट हो गया, छोटा मोटा पार्टी, 200-300 लोगों तक का पार्टी कर सकते हैं। 300 लोगों तक का। और सर, अगर कोई रूम बुक करना चाहता है वेडिंग के लिए, तो उसका क्या प्लान है, कितना से शुरू होता है? कर सकते हैं आप लोग, जैसे अभी नॉर्मल चार्जेस हमारा तो हॉल जो है वो शादी के लिए हम 50,000 चार्ज करते हैं, और रूम जो है वो एसी रूम का 1600 रुपया, नॉन एसी रूम 1200 रुपया। आप अगर चेक कर सकते हैं ऊपर जाके। जी हाँ, अभी जान। और अगर कोई बर्थडे के लिए 1-2 रूम बुक करना चाहेगा? हाँ, वो भी कर सकते हैं। एक छोटा सा हॉल है, उसके लिए भी 25-30 लोगों के लिए छोटा हॉल है, ज़्यादा लोग होंगे तो उसके लिए बड़ा हॉल है। तो कम से कम का जो रूम है चार्ज, वो कितना से शुरू होता है? ये वेडिंग सब के लिए? नहीं, बर्थडे, बर्थडे के लिए। बर्थडे के लिए देखिए, हम लोग 1-2 घंटे के लिए तो ऐसे चार्ज नहीं करते। अगर कोई डेकोरेशन करके बोलता है कि हमें डेकोरेशन करके देना है चार्ज, तो तब मिनिमम चार्ज वो देख के वो डेकोरेशन करता है। बाकी खुद से अगर कोई बर्थडे करना चाहता तो वो आकर 1-2 घंटे के अंदर करके जा सकता है। ओके, ये अच्छी फैसिलिटी है। ठीक, ओके। अब हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बैल्कनी में, सेकंड फ्लोर बैल्कनी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नजारा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है। तो हाईवे के बगल में ही ये होटल है, तो यहाँ बहुत सारे लोग रुकते हैं डिनर लंच करने के लिए। तो आप बाहर में गाड़ी देख सकते हैं कि कितनी गाड़ी लगी हुई है। और यहाँ का ये फेमस रेस्टोरेंट है, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बाहर का नज़ारा देख ही लिया, मेन नेशनल हाईवे के बगल में ही ये होटल बनाई गई है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, 3rd फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हॉल है, बिग हॉल, उसके अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा, वाओ, बहुत ही शानदार हॉल को डेकोरेट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सर, यहाँ कुछ प्रोग्राम भी पहले हो चुकी है। ये लगता है हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ना, हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर बर्थडे मनाया गया है। अच्छा,
मालिक हुआ। अच्छा, इस हॉल के जो ओनर है उन्हीं के बच्चे का यहाँ पे मनाया गया था बर्थडे, और डेकोरेशन अभी भी हुआ ही है, बहुत शानदार लग रही है। एक बार हम अभी आपको दिखा देते हैं वहाँ जो सजाया गया, क्या शानदार नजारा है वो आपको एक तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से नेचुरल ढंग से इसको सजाया गया है, हर तरफ पेड़ पौधा फूल इसी का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ नेचर को बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है। ये बोर्ड है, यहाँ पर अगर किसी का भी कुछ हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो वो यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं। इस होटल का नाम है होटल फोर सीजन हाईवे, रेस्टोरेंट लॉज के लिए इसको बुक किया जाता है। इस होटल का नाम है होटल फोर सीजन हाईवे। अब इस हॉल के पास में ही एक बालकोनी भी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए आइए बालकनी की तरफ और यहाँ से नजारा देखें बाहर का। वाओ, क्या शानदार नजारा है। ऐसा ऐसा नजारा देखने के लिए लोग बाहर जाते हैं पैसा फेंककर, जबकि हमारे बंगाल में बिल्कुल नजदीक में ही ऐसा होटल भी अवेलेबल है, नागराकाटा में। नागराकाटा हाईवे के पास है ये होटल जिसका नाम है होटल फोर सीजन। ये बैंकेट हॉल है, इसको रेस्टोरेंट और लॉज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही फेमस होटल है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये आप नीचे गाड़ी देख सकते हैं, जितनी गाड़ियाँ जाती है उससे ज्यादा आ भी जाती है। तो दोस्तों, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी लोकल एरिया के लोग हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भी इस होटल को जरूर विजिट करें। और यहाँ पे अगर आप लोग पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, वेडिंग के लिए बुक करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। इस होटल का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ का डिनर लंच बहुत ही लजीज है, एकदम क्या बोले काबिले तारीफ है, तो आप लोग जरूर विजिट करें। हम लोग अभी इसी हॉल से दूसरी तरफ से आगे गए थे और ये सेकंड रास्ता है जिससे आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा नजारा, वॉल पर 3D पेंटिंग किया गया है। ये देखिए कितना शानदार पेंटिंग है, 3D पेंटिंग। तो दोस्तों, टीचर्स डे पार्टी शुरू हो गई है और ये टीचर्स डे पार्टी मैं ही दिया हूँ। आपको पता होगा मैं कौन बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं तहरीक सर बोल रहा हूँ और मैं ही टीचर्स डे पर पार्टी दिया हूँ। तो तब्बू जी अभी यहाँ पार्टी में साथ में शरीक हो रही है, पार्टी एंजॉय करेगी, पार्टी को एक्सेप्ट की है, तो हम लोग यहाँ आया पार्टी करने के लिए। तो तब्बू जी बताइए, आइए, आप क्या खा रहे हैं? तो ये टीचर्स डे हम लोग फोर सीजन होटल में मनाने के लिए आए हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है, देखिए तो खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, टेस्ट करके देखते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो फैंस के लिए क्या कहिएगा? तो बस यही कहूंगी, जितने भी लोकल एरिया के मेरे फैंस हैं, आप लोग जरूर इस होटल को विजिट करें, और जो दूर दूर के हैं वो लोग के लिए भी है कि कभी आए बंगाल इस एरिया में तो इस होटल में जरूर आए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, ये होटल कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं, और लोकल एरिया से जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल तब्बू इस्लामिक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।